के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरा, दीपावली व छठ त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, अराजक तत्वों पर लगाम लगाने के साथ त्योहारों को कराएं सकुशल संपन्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरकुलहा देवी मंदिर के दौरे को देखते हुए एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। नए गीडा थाने पर 30 लाख की अवैध शराब तस्करी का पहला एफआईआर हुआ दर्ज। सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने कहा, डीसीएम गाड़ी के अंदर एक दरवाजा लगाकर करते थे तस्करी। नवरात्रि और दुर्गा पूजा को सकुशल संपन्न कराने को तैयार है गोरखपुर पुलिस। एसएसपी ने कहा, पूजा आयोजक भी रखे सुरक्षा का ध्यान, जिससे सकुशल संपन्न हो सके त्योहार। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की तैयारी बैठक। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को 19 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। पीएसए की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक। प्रेरणा ऐप के डाउनलोड करने सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ का धरना चौथे दिन भी रहा जारी। मांगे पूरी नहीं होने तक दी आंदोलन की चेतावनी। 65वीं प्रदेशीय विद्यालय सीनियर एवं सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता हुआ संपन्न। सीनियर एवं सब जूनियर की विजयी टीमों को प्रदान किया गया ट्रॉफी। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए जलकल विभाग है मुस्तैद। बंधों पर लगे पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण कर ली जानकारी। संवाद भवन में आयोजित हुआ जी जैसी आपकी मर्जी नाटक का मंचन। कलाकारों ने नारी विसंगतियों पर किया प्रहार। कार्यक्रम में शामिल हुई सिर्फ महिलाएं। पिछले 72 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी घरों और विद्यालयों में घुसा बरसात का पानी। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। और अदा मिसेज इंडिया और अदा वुमेन फाउंडेशन ने आयोजित किया अदा मिस एंड मिसेज पूर्वांचल और क्लासिक प्लस का आयोजन। विजय प्रतिभागियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा।